आज देखिए ना हमारा ला 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 ला। नहीं बेटा नहीं बाबू हमें ना, तो आप देख सकते कितना पानी हो रहा है अंकिता का। तो देख सकते आप लोग कितना पानी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनिता ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का बज रहा है 7, तो आप सभी फ्रेंड को हमारे तरफ से सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और वीर भी जग गए हैं आज सुबह सुबह, और अंकिता भी जग गए हैं, तो अंकिता उधर है आंगन में। और आज हम लोग की तरफ बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है वो सारा पानी ही है। और मोबाइल तो हेलने का मन कर और वीर बोल मम्मी मुझे नहाने का मन कर रहा है। और तब बताइए बाढ़ के बारे में कुछ। और तो डर डरने वाले क्या बताना क्या है। और हम लोग डर रहे हैं, नहीं सरकार यहाँ पे नाव का सुविधा किया है, नहीं कुछ का, ऐसे ही पानी में दहते जाएंगे। इससे ज्यादा पानी होगा तो हम लोग को घर के अंदर भी जाएगा पानी, पूरे द्वार का बराबर हो गया। पानी बढ़ ही रहा है और इतना ज्यादा तेजी से पानी बढ़ रहा है ना, कि हो सकता है कि इस बार घर में भी हम लोग का डूब जाएगा। कि हम लोग बाढ़ इलाके में है, लेकिन अभी तक नहीं आया था घर के अंदर, कभी नहीं आया था घर के अंदर, लेकिन इस बार लग रहा है कि घर के अंदर बाढ़ का पानी आ ही जाएगा। बाढ़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा पानी आया है, काफी ज्यादा पानी है। और इस पानी से जान माल और माल मवेशी जो भी है सबको खतरा है। इसलिए तो क्योंकि प्रशासन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि जो भी मतलब गड्ढे जगह पे घर है, स्थान है, वो अपने उच्च स्तर पे चले जाए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हम दिखाते हैं। गवर्नमेंट तो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उसका तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। किसी भी चीज का अर्थव्यवस्था होता है तभी तो जाके, गाँव का भी व्यवस्था नहीं है, वो गाँव नगर का जो भी पब्लिक होते हैं वहाँ पे जाके अस्थायी होता है। लेकिन यहाँ हमारे गाँव भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हम बाढ़ का पानी दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस बाढ़ के पानी में क्या क्या है नहीं सब कुछ हम बताते हैं आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं कि है द्वार, और द्वार के एकदम बराबर में पानी हो गया है। और ये पूरा पानी पानी दिख रहा है, पूरे पानी पानी एकदम। और आप लोग समझ सकते हैं कि इस पानी में कीड़ा मकौड़ा, सांप, गोजर, पिलुआ पताई, बहुत सारा कुछ इतना आया है ना कि कभी इधर सांप, कभी उधर सांप, मैंने कहीं कुछ ना कुछ दिखते रह रहा है। और इसी पानी में बच्चा सबको खूब बहार है, खूब नहाने के लिए एकदम पूरा बेचैन है। और यहाँ जो पानी है वो 5 फीट के करीब में ऊंचास में है। तो ये 5 फीट तक पानी है, जो कि कमर के ऊपर तक है। तो अभी अंकिता जाएंगी नहाने ना जी। हाँ जी, नहाने जाएंगे। मैं सब वीर भी बोल रहा है जाने के लिए। क्या वीर बोल जाना है दरिया में, इसमें साइकिल चलेगा वीर? क्या बात करते हो, पानी के ऊपर से साइकिल चलाओगे? वाटर प्रूफ साइकिल है, उसमें एयर भरा हुआ है, ऐसे ही पानी के ऊपर से ऐसे ऐसे चलेगा, ड्रिंग ड्रिंग, उसी पे वीर बैठा हुआ है। पानी के ऊपर साइकिल चलाएंगे, नहीं चल पाएगा। और अंकिता अब जा रही है नहाने। नहीं नहीं आप नहीं जी बेटा, बात मानिए, आप बात मानिए। और उधर से भी एक बच्चा आ रहे हैं नहाने। बच्चा सबको बाहर हो गया। तो पूरा चारों तरफ हम लोग घर के पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं बेटा, और अंकिता आ गई है पानी का सर्वे करने। पानी का सर्वे कर रही है किधर कितना पानी है। नहाना है किसी तरह, नहा रही है। पूरा इतना पानी हो गया और इनको पहुंचने आता है, इसलिए वो नहा रही है। किधर गए जी? इनको हर तरह से पौड़ने आता है,
बचपन से पौरे हुए हैं इसलिए। पानी मुंह में नहीं चला है? हाँ? पानी मुंह में यार डुबकिया मार दी सेम फूल ना है बाहर अंदर कचरा पानी में नहाइएगा, कचरा पानी है। और इधर भी घर का द्वार का इधर भी एकदम चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है एकदम, कहीं आने जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। फुल एंजॉय, फुल एंजॉय पानी में। और वीर भी बोल रहे कि हम भी नहाएंगे, वीर भी नहाने चल गया वहां पर, देख सकते हैं आप लोग। दीदी के पास जाइए, दीदी के पास एक सिखा देंगे, जाइए सभी दीदी के पास जाइए तब ना सिखाएंगे, जाइए। तेरे मम्मा सिखा दो, इधर आइए, इधर इधर आइए, तूने खा पानी है, चल हमने चलते हैं। आइए बेटा, बटालियन को लेकर जा रहे हैं सिखाने तैरने के लिए। चल इधर ये सारी बटालियन को नहवाने के लिए, सब पहले तो नहवाना है। तो गए उधर, तो सारे कोई नहा रहे उधर, तो प्रदेश पूरे आदमी एकदम पानी में नहाने के लिए जा रहे हैं। तो पानी से नहाकर अंकिता आ गई और अभी पूरा फ्रेश व्रेश हो गई है, और उसमें आप लोग देखे थे कि कैसे नहा रही थी पानी। तो हम लोग का बाढ़ का इलाका है, मैं इतना ज्यादा नहा आई हूँ कि कलह बच गया है। हम लोग को ज्यादा लेट कर दिया, भीड़ भीड़ जल्दी निकल ही नहीं रहा था पानी से, बोला था थोड़ा क्योंकि अभी कचरा पानी थोड़ा देर और। और पानी जो है ना अभी मिट्टी का कटाव जो हो रहा था उसके वजह से बहुत गंदा पानी आया है, इतना ज्यादा मतलब ये लग रहा है कि मिट्टी उसमें घोला हुआ है। जैसे उसी पानी में नहा रहे लोग, सरल लोग उसी पानी में बच्चा सब बाहर बाहर है ना, तो जिन लोग को मतलब पहले पहले बार लग रहा है कि नहाएंगे रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज के यहीं तक रखते हैं ब्लॉग, और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय।